नमस्कार दोस्तों, वी टेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि गाड़ी को सही तरीके से हम जंप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बूस्ट कैसे कर सकते हैं। कई बार हमारी ये गाड़ी की बैटरी फ्लैट हो जाती है, पावर कम हो जाती है, बैटरी डेड हो जाती है और हमें दूसरी गाड़ी से उसे बूस्ट करके जंप करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसका असली या सही तरीका क्या होता है? ज़्यादातर हम वेबसाइट्स पे देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं, वो कहते हैं कि दोनों बैटरीज को कनेक्ट कीजिए और एक गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। जो आपकी सही वाली बैटरी वाली गाड़ी है उसको आप स्टार्ट रखिए और दूसरी गाड़ी को आप क्रैंक कीजिए। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे कई बार आपके ECM भी ख़राब हो जाते हैं। मैंने पर्सनली कई बार गाड़ियों में आप फ्यूज़ ब्लॉक ठीक किए हैं, फ्यूज़ ब्लॉक बदले भी हैं क्योंकि इसी तरीके से वो गाड़ी को स्टार्ट किया गया था। सो होता क्या है कि हमारा जो स्टार्टर होता है वो 150 एम्प से 200 एम्प के बीच में करंट फ्लो होता है उसका। वो इतनी करंट हमारा स्टार्टर गाड़ी को क्रैंक करने के लिए लेता है। सो अगर हमारे पास एक गाड़ी है जो बिल्कुल ठीक है और दूसरी गाड़ी है बिल्कुल ख़राब है, सो जो ठीक वाली गाड़ी है हम उसकी बैटरी से इसकी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। दोनों गाड़ियों के बीच में हमने बैटरीज कनेक्ट कर दी तारें लगाकर, और उसके बाद जो हमारी सही वाली गाड़ी है वो चल रही है। वो सभी ये कहते हैं कि उसे चलती रहने दो क्योंकि वो बैटरी इस टाइम पावर देनी है उस बैटरी ने। पर होता क्या है कि जब वो बैटरी चल रही है, वो गाड़ी चल रही है, अब चलती हुई गाड़ी पे किसी मॉड्यूल को नहीं पता कि बैटरी से इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगा है। जब गाड़ी चल रही है सारे मॉड्यूल अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि अब कोई और गाड़ी भी इससे स्टार्ट होगी। आप करते क्या हो उस टाइम कि गाड़ी चल रही है, आप दूसरी बैटरी को कनेक्ट कर देते हो उस गाड़ी को और उसका स्टार्टर जो 150 एम्प का करंट फ्लो अब ले रहा है वो उसके आपकी सही वाली गाड़ी पे इतना ज़्यादा दबाव डाल देता है कि कई बार आपकी सही वाली गाड़ी के कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करना लगते हैं, हम की को दबाते हैं, क्रैंक पोजीशन पे की को लाते हैं, तो सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार बंद हो जाता है। उसके दो कारण होते हैं। एक तो जितनी मैक्सिमम पावर हमारी स्टार्टर को मिल सके वो वहाँ चली जाती है हमारी पावर। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई एम्परेज सर्ज हो, अगर कोई करंट सर्ज हो हमारा, तो किसी मॉड्यूल को कोई नुकसान ना हो। जब आप इसे जंप करते हो और गाड़ी चलती हो तब वो सब कुछ सिस्टम चल रहा है, वो वैसे नहीं है जैसे आप की ऑन करने की तरफ करते हो। सारे के सारे मॉड्यूल चल रहे हैं, कोई बंद नहीं है। और उस टाइम पर अगर आप इतना बड़ा दबाव डालेंगे उस बैटरी सिस्टम पे, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे गाड़ी पे, 150-200 एम्प के एम्प का करंट ड्रॉ डालेंगे दूसरी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत चांस हो जाते हैं कि आपका कोई ना कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए। सो करना क्या चाहिए आपको, जो आपकी सही वाली बैटरी है उसको आप वैसे ही बंद, गाड़ी को बंद रहने दीजिए, चाबी को निकाल लीजिए ताकि किसी मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल आपका उस टाइम अवेक ना हो, जाग ना रहा हो। और ख़राब वाली बैटरी पे आप पॉजिटिव पे लगाएंगे और ख़राब वाली बैटरी पे नेगेटिव आप बैटरी पे नहीं लगाएंगे, वो आप किसी ग्राउंड पे लगाएंगे ताकि आपकी बैटरी पे एक्सप्लोजन या फायर का रिस्क ना हो, कोई स्पार्क ना हो। सो उसके बाद आप अपनी डेड वाली बैटरी को क्रैंक करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा किसी मॉड्यूल के ख़राब होने का। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं इन दो गाड़ियों के अंदर के बीच में जंप स्टार्ट गाड़ियों को करके दिखाएंगे। ये जो हमारी नीले रंग की गाड़ी है ये डेड बैटरी वाली गाड़ी है, और ये जो सफ़ेद गाड़ी है हमारी ये सही बैटरी वाली गाड़ी है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास जंपर केबल जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जो हमारी लाल वाली तारें हैं वो दोनों बैटरी के लाल पॉजिटिव टर्मिनल्स पे चल जाएंगी, और जो ब्लैक वाली हैं वो सही गाड़ी की ब्लैक वाली ब्लैक टर्मिनल पे, हमारे बैटरी टर्मिनल पे जाएगी। पर जो ख़राब वाली गाड़ी है उसकी जो ब्लैक वाली है वो बैटरी पे नहीं जाएगी, वो किसी अच्छे ग्राउंड पे जाएगी। सो पहली मैं लाल वाली तार इसकी बैटरी पे लगाऊंगा और काली तार यहाँ पे बैटरी नेगेटिव पे लगाऊंगा सही वाली गाड़ी पे, और ये खराब वाली जो गाड़ी है हमारी जिसको हमने बूस्ट करना है उसकी लाल तार मैं लाल पे लगाऊंगा, और जो ब्लैक वायर है इसकी जो खराब वाली गाड़ी है उसको मैं इसके शॉकर किसी बढ़िया ग्राउंड पे लगाऊंगा, जैसे कि इसका स्ट्रट है, जो फ्रंट स्ट्रट है उसके ग्राउंड पे लगा दिया है। अब मैं इसे क्रैंक करूंगा। जो हमारी खराब वाली, जो अच्छी वाली सही वाली गाड़ी है उसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे, वो बंद ही रहेगी ताकि हमारा कोई ECM खराब ना हो जाए, हमारा कोई करंट इलेक्ट्रॉनिक सर्ज ना हो जाए। सो इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमने एक कनेक्शन बनाया जो इस बैटरी से इस बैटरी तक, पर एक फर्क हमने रखा कि इसकी जो नेगेटिव है
वो इसके बैटरी पे नहीं जाएगी, वो इसके किसी अच्छे ग्राउंड पे जाएगी, और ये गाड़ी हम स्टार्ट नहीं रखेंगे ताकि हमारे किसी मॉड्यूल को कोई नुकसान ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, किसी डेड बैटरी को, फ्लैट बैटरी को हम कैसे जंप करते हैं, सही तरीका क्या है कि कहीं हमें कभी कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, हमारा कोई कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए, हमारा फ्यूज़ ब्लॉक ना ख़राब हो जाए। इस तरीके से आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट्स देने मत भूलिए। मिलेंगे अगली बार।